विपक्ष अपने हिसाब से मोदी शाह की जोड़ी को चुनाव में शिकस्त देने की तैयारी कर रहा है। वजह ये कि पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं बची। इसे विपक्ष अपने लिए बड़ा संकेत मान रहा है। विपक्षी नेताओं की मुलाकातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एक बड़ा मैसेज दिया था। इसके बाद भाजपा ने रणनीति बदली। आम चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए से छिटके सहयोगी दलों को फिर से साथ लाने की तैयारी हो रही है। कुछ नए दलों को भी जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी ने एनडीए कुनवे को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों एनडीए के पुराने सहयोगी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच फिर से गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 2018 के बाद से नायडू और शाह की ये पहली मुलाकात थी। 5 साल पहले टीडीपी ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया था। नायडू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ आम चुनावों के लिए भी भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। भाजपा भी मिशन साउथ को मजबूती के लिए सहयोगी ढूंढ रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 2 दिन पहले एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी से शाह की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद पंजाब राज्य में अमृतसर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 17 साल पुराने प्रस्ताव की कॉपी जारी की। इसमें स्वर्ण मंदिर परिसर में नारेबाजी और मीडिया इंटरव्यू की मनाही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की पूर्व संध्या पर ये प्रस्ताव जारी किया गया। ये निर्देश 5 सिख गुरुओं ने दिए। वैसे अकाल तख्त के लिए सिख धर्म गुरुओं के निर्देशों को मीडिया में जारी करना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब जिला प्रशासन की तरफ से उठाया गया कदम। इसके बाद से शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच फिर से गठबंधन की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। दरअसल ज्यादातर एसजीपीसी मेंबर्स अकाली दल से आते हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद शिरोमणि अकाली दल को लगने लगा कि उसे अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी की जरूरत है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि पार्टी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को महत्व देती आई है। ऐसे में ये परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सहज नहीं है। पीएम के इस बयान को टीडीपी, अकाली दल, बसपा, बीजेडी, जेडीएस और वाईएसआर कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। जब विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था तो इन दलों ने बीजेपी का समर्थन किया और कार्यक्रम में शामिल हुए। 2024 के लिए विपक्षी रणनीति को देखते हुए पुराने सहयोगियों को फिर से जोड़ने और नए साथी साथ लाने के लिए शाह नड्डा मिशन में जुट गए हैं। कुछ दिन बाद शाह और नड्डा आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। 2019 से स्थितियां अलग हैं और उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार की जेडीयू और अकाली दल भाजपा से दूरी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी छोटे दलों की अहमियत को समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।